और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, नहीं जाना चाहते हैं। उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, यह है सच्चाई। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और अगर आपने देखा होगा कल तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दो घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए, क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेथीज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए,
मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं, मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, यह है सच्चाई। सी द प्राइम मिनिस्टर, व्हेन ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, ही सीजेस टू बी ए पॉलिटिशियन, ही बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वॉइस ऑफ दिस कंट्री। हिज पॉलिटिकल, द पॉलिटिक्स शुड बी पुट असाइड एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड स्पीक नॉट एज अ पेटी पॉलिटिशियन, एज द लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, बट द प्राइम मिनिस्टर शुड स्पीक विद द वेट ऑफ द इंडियन पीपल बिहाइंड हिम। एंड इट्स ट्रेजिक टू वॉच मिस्टर नरेंद्र मोदी, इट्स सैड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही एक्चुअली इज। He is our representative. He is my representative. He is all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours talking about the Congress, talking about the opposition, you know, making ridiculous remarks about the name, this really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress Party. I've seen Prime Ministers from the BJP. I've seen Mr. Vajpayee. I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ, तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।